स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रोडक्ट फायर पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और कंपेयर करने वाले हैं दो मिक्सर ग्राइंडर्स को, जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड के मिक्सर ग्राइंडर्स हैं, सुजाता सुपर मिक्स और सुजाता पामेटिक प्लस। इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में जाने वाले हैं दोनों प्रोडक्ट के, इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है, बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बिकते हैं और लोगों को एक पॉइंट पे आकर के कंफ्यूजन हो जाता है कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट उनको परचेस करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो प्राइस का लेवल है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, फंक्शनैलिटीज का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट रहेगा। इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। और एक और चीज़ जो जबरदस्त चीज़ जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ वो ये है कि इन दोनों ही प्रोडक्ट के अलावा दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप कंपेयर करना चाहें तो कुछ क्लिक्स के थ्रू आप उसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, बहुत ही डिटेल्ड कंपेरिजन एनालिसिस कैसे आपके फिंगर टिप पर हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा। चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करें हम कंपैरिजन से दोनों ही मिक्सर ग्राइंडर के बॉडी और लुक्स को लेकर के। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोनों ही मिक्सर ग्राइंडर के लुक्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दोनों ही दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्कुल जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी के साथ दोनों मटेरियल दोनों मिक्सर ग्राइंडर आते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है बॉडी को बनाने में वो बिल्कुल सिमिलर सा है, कोई भी रत्ती भर डिफरेंस नहीं है। तो इस वजह से इन दोनों की जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही जबरदस्त है और बिल्कुल सेम बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको ये दोनों मिक्सर ग्राइंडर देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस जो आपको लुक्स में सुजाता पामेटिक प्लस में आपको देखने को लग रहा होगा, उसको मैं आपको खुद आगे एक्सप्लेन करूंगा कि वो एक्चुअल में चीज़ क्या है, वो आप देख के समझ गए होंगे कि इसमें आपको जूसर एक्स्ट्रा मिलता है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। दोनों की जो मेन यूनिट आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इसके अंदर 900 वोल्ट की आपको मोटर देखने को मिलती है, जो कि आपको डबल पोल वेयरिंग के साथ और कॉपर वाइंडिंग के साथ देखने को मिलती है। दोनों में बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, जो कि आपको 22,000 तक का RPM आपको देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप कुछ भी ग्राइंड करेंगे, कुछ भी आप मिक्सी में बनाएंगे, तो आपको परफेक्ट और सेम क्वालिटी दोनों ही मिक्सी ग्राइंडर में देखने को मिलेगी। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको कुछ अलग सुजाता पामेटिक प्लस में कुछ अलग इक्विपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, वो बेसिकली जूसर है। अगर आपको सुजाता सुपर मिक्स के अंदर आपको जूसर देखने को नहीं मिलता है, वहीं आपको सुजाता पामेटिक प्लस में आपको जूसर देखने को मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, जूसर कंटेनर है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, कटर स्पिनर आपको देखने को मिलता है, पल्प कंटेनर आपको देखने को मिलता है सुजाता पामेटिक प्लस में, जिसके थ्रू आप जूस बना सकते हैं, और आपको प्लंजर जैसी कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा फ्री में मिलती है ताकि आप उसे अच्छे से जूस बना सकें। ये वाला फीचर आपको सुजाता सुपर मिक्स में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इन तीनों में आपको तीन जार देखने को मिलते हैं, ब्लेंडर जार, चटनी जार और ग्राइंडर जार। ब्लेंडर जार में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं इन तीनों में ही, मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो क्या डिफरेंसेस हैं इनके जार में। ब्लेंडर जार आपको दोनों में बिल्कुल सेम देखने को मिलता है, 1700 ml की कैपेसिटी के साथ आता है। दोनों में पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना हुआ है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मटेरियल है, और जो इनकी लीड आती है वो भी ट्रांसपेरेंट आपको देखने को मिल जाती है, जो कि ट्रांसपेरेंट होने में ही फायदा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है चटनी जार। चटनी जार में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज तो कैपेसिटी में यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही 400 ml की आपको कैपेसिटी देखने को मिलती है सुपर मिक्स और पामेटिक प्लस में। बट यहाँ पर जो डिफरेंस है वो इसके लीड में है। सुपर मिक्स में आपको जो इसके लीड देखने को मिलती है वो लॉक सिस्टम के साथ आती है, आप इसे लॉक कर सकते हैं, वहीं आपको पामेटिक प्लस में आपको ये प्रेस लीड के साथ देखने को मिलती है, आपको प्रेस करके इसे बंद करना होगा। ग्राइंडर जार की अगर हम बात करें तो आपको 1 liter कैपेसिटी का बिल्कुल सेम, दोनों में बिल्कुल सेम है, 1 liter कैपेसिटी का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और दोनों ही चटनी जार और ग्राइंडर जार है, दोनों के स्टेनलेस स्टील मटेरियल के आते हैं, और अंदर की जो ब्लेड है वो भी स्टेनलेस स्टील मटेरियल की, यानी एक और वैसे स्टील जो है वो एक बहुत ही अच्छा फूड ग्रेड मटेरियल है, तो हेल्थ को लेकर के यहाँ पे कोई भी इश्यूज नहीं है किसी भी तरीके से। ये हल्के फुल्के डिफरेंसेस हैं, आपको ये सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वेबसाइट का, आप इस पर आएंगे तो आप यहाँ पर किसी भी वेबसाइट किसी भी प्रोडक्ट का कंपैरिजन देख सकते हैं, वो भी बहुत डिटेल में। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ उससे भी ज़्यादा डिटेल में आपको कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा इन दोनों मिक्सर ग्राइंडर का। आपको सिंपली इस वेबसाइट पर सर्च करना है सुजाता सुपर मिक्स, आप इस पर क्लिक करें, छोटा सा जो बटन है आप इस पर क्लिक करें, और आपको दूसरा प्रोडक्ट सर्च करना है सुजाता पामेटिक प्लस, इसका भी छोटा जो बटन है आप यहाँ पर क्लिक करें। अब यहाँ पर जो साइड में बटन आ रहा है आप इस पर क्लिक करके इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर पूरे सारे का सारा डिटेल्ड कंपैरिजन आपको दोनों ही प्रोडक्ट का देखने को मिल जाता है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, और जितना भी इन दोनों में डिफरेंसेस हैं वो आपको यहाँ पे डिटेल में देखने को मिलेगा। इस यहाँ पर इस वेबसाइट पे आपको कुछ भी मिसिंग नहीं मिलेगा कि कोई भी डिफरेंस है और आपको यहाँ पे इस ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कुछ अच्छे फीचर भी हैं इसके अंदर, जैसे कि अगर आप इसकी प्राइस देखना चाहें कि अभी मार्केट में कौन सी चल रही है, तो आप जैसे ऊपर हैं स्क्रोल करके जैसे ऊपर आएंगे तो आपको सुजाता सुपर मिक्स का ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसके प्रोडक्ट पेज पर पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर आप बेस्ट प्राइस के लिए आप चेक कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप
तो आप बहुत ही जो भी यहाँ पर भी ये सबसे बेस्ट प्राइस मिल रहा है आपको आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो एक और चीज़ यहाँ पर होती है वो है कि अमेजोन की प्राइस कभी कभार वेरी करती रहती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, कभी कभी ये बहुत कम बार होता है, पर प्राइसेस कभी कभार कम जाती है कभी हाई होती है। तो उसके लिए भी यहाँ पर सोल्यूशन है, आप यहाँ पर जो आपको बटन दिख रहा है नोटिफाई यू, तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दें, तो जैसे ही प्राइस लोअर जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि प्राइस कम हो चुकी है, आप उस टाइम पे परचेज कर सकते हैं। बट ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए तो मैं आपको बस इतना बता, क्योंकि ये सब कुछ जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कभी भी जाके सोच सकते हो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी कंपेरिजन कर सकते हैं। तो दोस्तों वापस आते हैं इन दोनों मिक्सर ग्राइंडर के कंपैरिजन पे, जो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था इन दोनों की मेन यूनिट के बारे में, तो उसमें एक छोटा सा डिफरेंस आता है सुजाता सुपर मिक्स का, जो आप मेन यूनिट के अंदर जो कपड़ा रहता है वो आपको मेटल मटेरियल का देखने को मिलता है, जो कि ऑब्वियसली बेटर होता है प्लास्टिक मटेरियल के कपड़ा से जो आपको पावरमेटिक प्लस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस आपको मिलता है और जो कि रिप्लेसेबल है, अगर आप चाहें तो चेंज करवा सकते हैं, प्लास्टिक को मेटल लगवा सकते हैं आप चाहें तो। और आपको इसमें 90 मिनट्स तक आप इन दोनों ही मिक्सर ग्राइंडर को कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में सिमिलर टाइमिंग दी गई है कंपनी के द्वारा, आगे से दोनों को 90 मिनट्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक, ये भी बहुत अच्छा खासा लंबा टाइम है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सिर्फ अच्छे ब्रांड्स में ही हो सकता है। एक और चीज़ जो सुजाता सुपर मिक्स में आपको देखने को मिलती है वो होता है उसका कॉलर पार्ट। कॉलर पार्ट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपको मेटल मटेरियल का देखने को मिलता है, जो कि आपको पामेटिक प्लस में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है, बट उसके अंदर आपको जूसर फंक्शनैलिटी मिलती है, तो इस वजह से भी आप उसे मतलब वो हो भी नहीं सकती उसमें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिफरेंस जो है इन दोनों के अंदर वो है इनकी वारंटी को लेकर के, दोनों की वारंटी में थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सुजाता सुपर मिक्स में आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, वहीं पामेटिक प्लस में आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, तो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। बट आपको यहाँ पे जो चॉइस करनी है प्रोडक्ट परचेज करने की, वो आपको देखना है कि आपको अगर जूसर चाहिए आपके मिक्सर ग्राइंडर में या नहीं चाहिए, और भी बेसिक चीज़ें हैं पर वो इतना मैटर नहीं करेगी इन दोनों ही प्रोडक्ट के अंदर। बाकी डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं जो इसके अंदर हैं, आप जाकर के लिंक से भी देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको अभी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।